हेलो फ्रेंड्स, डीएलके के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। और आज हम बात करेंगे भी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने गुणसूत्र का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें गुणसूत्र की शेप, साइज, नंबर, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, यूकैरियोटिक गुणसूत्र की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे पेलिकल, उसके बाद मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स, सेंट्रो मियर, द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र एंड टीलोमियर्स। इन बिंदुओं में हम गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें गुणसूत्र की संरचना को बताया गया है। हम एक एक पार्ट्स का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं पेलिकल। यह एक अत्यधिक पतला आवरण है जो गुणसूत्र के चारों ओर उपस्थित होता है। तो गुणसूत्र के चारों ओर उपस्थित एक बायतम कला जो अत्यधिक पतली, पारदर्शी, रंगहीन, एक्रोमेटिक व नॉन जेनेटिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। यह एक अजेनेटिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है जिसके पास कोई जेनेटिक सूचना नहीं है। तो आप देख रहे हो कि गुणसूत्र के चारों ओर एक अत्यधिक पतली पारदर्शी कला उपस्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं भी, पेलिकल आवरण कह रहे हैं। ये जो आवरण उपस्थित है तो यह है भी पेलिकल जो अक्रोमेटिक है, यानी क्रोमेटिक नहीं है, और यह नॉन जेनेटिक आनुवंशिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इसके पास कोई किसी प्रकार की आनुवंशिक सूचना नहीं है। तो यह था भी पहली का। आगे पर बात करें दूसरा पार्ट मैट्रिक्स। पेलिकल के अंदर उपस्थित जेली समान, पेलिकल के अंदर उपस्थित जेली समान अक्रिस्टलीय समांगी पदार्थ को क्या कहते हैं भी, मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो पेलिकल के अंदर उपस्थित, जो आपको इस प्रकार से डॉटेड छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जो ये अंदर भरा हुआ जेली समान द्रव है, ये एक समांगी अक्रिस्टलीय द्रव के रूप में उपस्थित है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यह भी मैट्रिक्स, यह भी अक्रोमेटिक है और नॉन जेनेटिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो गुणसूत्र का दूसरा पार्ट क्या है भी, मैट्रिक्स जो एक समांगी है, जेली समान अक्रिस्टलीय द्रव उपस्थित है जो पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ है, और यह भी नॉन जेनेटिक व अक्रोमेटिक एलिमेंट है गुणसूत्रों का। यह क्रोमोसोम की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो गुणसूत्र की सीमाओं का निर्धारण कौन करता है, मैट्रिक्स द्वारा किया जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक पेलिकल व मैट्रिक्स को गुणसूत्र का अवयव नहीं मानते हैं। तो ये अपन ने बात की थी, दो पार्ट अपन ने देखे, पेलिकल जो गुणसूत्र के चारों ओर पारदर्शी आवरण के रूप में है, और मैट्रिक्स गुणसूत्रों के अंदर भरे हुए जेली समान समांगी पदार्थ को क्या कहते हैं भी, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये दोनों पार्ट नॉन जेनेटिक व अक्रोमेटिक भाग कहलाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन्हें गुणसूत्र का अवयव नहीं मानते हैं। आगे अपन बात करें भाई क्रोमोनिमेटा, या इससे अपन क्रोमोनिमा भी कहते हैं। तो गुणसूत्र का यह मुख्य भाग है भी क्रोमोनिमेटा। और आप जो ये देख रहे हो, ये जो क्रोमेटीन जो
श्रृंखलाएं तंतुनुमा धागेनुमा जो श्रृंखलाएं आपको दिख रही है ये क्रोमोनिमेटा कहलाती है। तो देखिए मैट्रिक्स में धसे हुए दो समान सर्पिलाकार रूप से अत्यधिक कुंडलित तंतु क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। तो मैट्रिक्स में धसे हुए दो तंतु अपने को दिख रहे हैं, प्रत्येक में एक तंतु यह है, दूसरा तंतु है, दो तंतु है जो अत्यधिक सर्पिलाकार है, कुंडलित है, कुंडलित तंतु है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं भाई, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और ये दो तंतु अत्यधिक इस तरीके से कुंडलित रहते हैं कि एक तंतु के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। तो ये एक क्रोमोनिमेटा है और ये दूसरी क्रोमोनिमेटा है, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं भाई, क्रोमोनिमेटा के रूप में जानते हैं या क्रोमोनिमा भी अपन इसे कह सकते हैं। ये तंतु आपस में अत्यधिक कुंडलित रहते हैं जो एकल सूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा कि प्रत्येक क्रोमोनिमा में दो तंतु होते हैं जो अत्यधिक कुंडलित रहते हैं और एक तंतु के रूप में अपने को दिखाई देते हैं, जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। जो ये तंतु होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन से, जो यहां पर बात करें कि ये जो तंतु है जो अत्यधिक कुंडलित हो रखे हैं, ये तंतु न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो तंतु है ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। आगे पर बात करें, प्रत्येक धागे नुमा तंतु जो जिसे अपन क्रोमो निमा कह रहे हैं, ये 800 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और वेजोवस्की ने इन्हें क्रोमोनिमेटा नाम दिया था। तो गुणसूत्र में दो क्या उपस्थित होते हैं भी, अत्यधिक कुंडलित धागेनुमा तंतु पाए जाते हैं और इन तंतुओं को वेजोवस्की ने क्रोमोनिमेटा नाम दिया था। तो वेजोवस्की ने इन तंतुओं को क्या नाम दिया था भाई, क्रोमोनिमेटा नाम दिया था। तो ये क्रोमोनिमेटा है। आगे पर बात करें, प्रोफेज व मेटाफेज कोशिका विभाजन की प्रोफेज व मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक क्रोमोसोम में प्रत्येक गुणसूत्र में दो सम्मित क्रोमोनिमेटा उपस्थित होती है। तो कोशिका विभाजन की प्रोफेज व मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में दो सम्मित क्या उपस्थित होते हैं भी, क्रोमोनिमेटा उपस्थित होती है, एक यह है और दूसरी यह है। तो दो क्रोमोनिमेटा उपस्थित होती है। क्रोमोनिमेटा आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती है। प्रत्येक जो क्रोमोनिमेटा है वह सेंट्रोमियर से जुड़ी होती है। यह है सेंट्रोमियर, इसके बारे में अपन आगे अभी अध्ययन करेंगे। तो सेंट्रोमियर के द्वारा ये जुड़ी रहती है और प्रत्येक जो क्रोमोनिमेटा है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के तंतुओं से मिलकर बनी होती है। एनाफेज में क्रोमोसोम का विभाजन हो जाता है। कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम का विभाजन हो जाता है, अतः प्रत्येक क्रोमोनिमेटा क्रोमोसोम में केवल एक क्रोमोनिमेटा रह जाती है। कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का इस तरीके से विभाजन होता है भी। अब आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, इस तरीके से केवल एक गुणसूत्र में केवल एक क्रोमोनिमेटा रह जाती है। कोशिका विभाजन की प्रोफेज व मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमोनिमेटा होती है और कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक क्रोमोनिमेटा रहती है। क्यों? क्योंकि यहां से गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है, तो एक क्रोमोनिमेटा इधर की तरफ, एक क्रोमोनिमेटा इधर की तरफ आ जाती है और दोनों क्रोमोनिमेटा विपरीत ध्रुवों की तरफ कोशिकाओं में चले जाती है। आगे अपन बात करें, क्रोमोनिमेटा पर ही आनुवंशिकी के वाहक जीन उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोनिमेटा पर ही
आनुवंशिकी के जो जीन अपन कहते हैं कि गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं, और वो जीन किस पर उपस्थित होते हैं भी, क्रोमोनिमेटा पर ही उपस्थित होते हैं। आगे अपन बात करें, क्रोमोनिमेटा में दो प्रकार का कुंडलन पाया जाता है। क्रोमोनिमेटा में जो ये तंतु है, क्रोमेटिड जो तंतु है, इनमें दो प्रकार का कुंडलन होता है। एक होता है पैरानेमिक और एक होता है प्लेक्टोनेमिक कुंडलन। पैरानेमिक कुंडलन इस तरीके का कुंडलन है, क्रोमोनिमेटा में दो तरीके का कुंडलन है, एक है पैरानेमिक और एक है प्लेक्टोनेमिक। पैरानेमिक ऐसा कुंडलन है जिससे क्रोमोनिमेटा आसानी से अलग हो जाती है। और अपन इस कुंडलन को देखें तो इस तरीके का कुंडलन इस तरीके का होता है, जैसे ये है, इसमें इस तरीके से दोनों एक क्रोमोनिमेटा ये है, दूसरी क्रोमोनिमेटा ये है, आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कुंडलित रहती है उसे अपन, और इसमें अपन आसानी से क्रोमोनिमेटा को क्या कर सकते हैं भी, अलग कर सकते हैं। तो पैरानेमिक कुंडलन में अत्यधिक कुंडलित नहीं रहती है, इस तरीके से कुंडलित रहेगी जिन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। प्लेक्टोनेमिक कुंडलन में इसका कुंडलन कैसे होगा भी, इस तरीके से अत्यधिक कुंडलित, जिस तरीके से रस्सी में कुंडलन होता है दो सिरों में, इस तरीके से कुंडलन रहता है और इन्हें अपन आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो क्रोमोनिमेटा में दो तरीके का कुंडलन है, एक है पैरानेमिक कुंडलन जिसमें क्रोमेटिड या अपन कहें क्रोमोनिमा इस तरीके से कुंडलित रहती है कि उन्हें अपन आसानी से अलग कर सकते हैं। प्लेक्टोनेमिक कुंडलन में क्रोमोनिमा इस तरीके से कुंडलित रहती है कि इन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। पैरानेमिक में इस तरीके का कुंडलन होगा और प्लेक्टोनेमिक में इस तरीके का कुंडलन होगा। आगे अपन बात करें, देखिए एक गुणसूत्र में दो क्रोमोनिमेटा है, इसमें यदि मैं बात करूं कि ये क्रोमोनिमेटा, इसमें ये गुणसूत्र इस तरीके से चल रही है, तो इस क्रोमोनिमेटा और इस क्रोमोनिमेटा को हम क्या कहते हैं कि सिस्टर क्रोमोनिमेटा कहते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है, जबकि यह क्रोमेटिड और यह क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है। तो एक तरफ गुणसूत्र में एक तरफ उपस्थित क्रोमोनिमेटा को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और इस वाले और इसको अपन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है या क्रोमोनिमेटा है। तो ये थी भी अपना तीसरा पार्ट गुणसूत्र का, क्रोमोनिमेटा। अगला भाग अपन बात करें क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स देखिए गुणसूत्र की क्रोमोनिमेटा पर आपको छोटी छोटी कणिकीय या दानेदार रचना दिखाई दे रही है, और ये देखो आपको कणिकीय दानेदार रचना दिख रही है क्रोमोनिमेटा पर, और इन कणिकीय और दानेदार रचनाओं को ही अपन क्या कहते हैं भी, क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो प्रोफेज में क्रोमोनिमेटा पर उपस्थित कणीय रचना या दानेदार रचना को बाल बियानी एक वैज्ञानिक है, बाल बियानी ने इनको क्या कहा भी, इन कणीय रचनाओं को क्रोमोमियर्स नाम दिया। तो क्रोमोनिमेटा पर उपस्थित कणीय या दानेदार रचना को बाल बियानी ने क्रोमोमियर्स नाम दिया। तो ये जो रचना है आपको दिख रही है कणनुमा रचना है, ये सब क्या है भी, क्रोमोमियर्स है। आगे अपन बात करें, प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उसके आनुवंशिकी बिंदु पर का केंद्र है, तो ये जो क्रोमोमियर्स है प्रत्येक गुणसूत्र की जो क्रोमोनिमेटा है उसमें उपस्थित क्रोमोमियर्स आनुवंशिकी का बिंदु का केंद्र है, जो क्षारीय क्रोमेटिन से घिरे एक जीन को व्यक्त करते हैं। तो क्रोमोमियर्स
आनुवंशिकी का केंद्र बिंदु है और क्षारीय क्रोमेटिन से घिरे हुए एक जीन को व्यक्त करते हैं। कौन? क्रोमोमियर्स। आगे देखिए, क्रोमोनिमेटा के वलन से इनका निर्माण होता है। तो क्रोमोमियर्स कैसे बनते हैं जी? क्रोमोनिमेटा के वलन से क्रोमोमियर्स का विकास होता है या ये उत्पन्न होते हैं और इनके मध्य उपस्थित स्थान को अंतर क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो एक क्रोमोमियर्स ये है, दूसरा क्रोमोमियर्स ये है, तो इन दोनों के मध्य के अवकाश को अपन क्या कहेंगे भी? अंतर क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो क्रोमोनिमेटा पर उपस्थित कणीय या दानेदार रचना को क्या कहते हैं भी? क्रोमोमियर्स कहा जाता है। आगे अपन अगला भाग बात करें भी सेंट्रोमियर्स और सेंट्रोमियर्स गुणसूत्र की मध्य स्थिति को व्यक्त करता है। इसकी एक निश्चित स्थिति होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर से ही गुणसूत्र की दोनों जो क्रोमोनिमेटा है आपस में जुड़ी रहती है। तो देखिए, गुणसूत्रों का हल्का अभिरंजित व संकुचित क्षेत्र क्या कहलाता है भी? गुणसूत्र बिंदु कहलाता है या सेंट्रोमियर कहलाता है। तो क्रोमोसोम का हल्का अभिरंजित संकीर्ण क्षेत्र, देखो आपको संकीर्ण यानी पिचका हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर, और यह ही जो संकीर्ण क्षेत्र है और हल्का अभिरंजित क्षेत्र ही सेंट्रोमियर कहलाता है या इसे हम प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र भी कहते हैं या इसे काइनेटोकोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र या काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, सेंट्रोमियर की स्थिति नियत है, निश्चित है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी भी? निश्चित रहेगी। जो गुणसूत्र की विशिष्टता है और प्रत्येक गुणसूत्र की क्या है वो? विशिष्टता है। यह गुणसूत्र की आकृति निर्धारित करता है क्योंकि गुणसूत्र की आकृति सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ही देखी जाती है। और जो गुणसूत्रों की आकृतियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गुणसूत्र की जो आकृतियां हैं वो सेंट्रोमियर की स्थिति से निर्धारित होती है। गुणसूत्र से, गुणसूत्र बिंदु से ही गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ी रहती है और कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में तर्कु तंतु भी गुणसूत्र बिंदु से ही आकर जुड़ते हैं। तो तर्कु तंतु कहां आकर जुड़ेंगे भी? गुणसूत्र बिंदु से ही आकर जुड़ते हैं। और एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन भी यहां से ही होता है। इस तरीके से तो गुणसूत्र बिंदु से ही गुणसूत्रों का क्या होता है भी? विभाजन होता है एनाफेज अवस्था में। और प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र कोशिका में विपरीत ध्रुव की तरह अभिगमित हो जाता है। तो गुणसूत्र बिंदु एक गुणसूत्र का अति महत्वपूर्ण भाग है। तो आगे अपन देखें, सेंट्रोमियर एक चिपकी हुई प्रोटीन से बनी तस्त्री नुमा रचना है, एक तस्त्री के समान रचना है जो 0.20 से 0.25 माइक्रो व्यास की रचना है। तो गुणसूत्र बिंदु एक चिपकी हुई प्रोटीन से मिलकर बनी हुई तस्त्री नुमा रचना है जिसका व्यास 0.20 से 0.25 माइक्रोन व्यास होता है और इसके तीन परतें होती है। एक होती सघन परत, एक होती कम सघन परत और एक होता तीसरा तंतुमय भाग। तो सेंट्रोमियर की रचना यदि अपन देखें तो इसमें तीन भाग दिखाई देते हैं
जिसमें पहली अत्यधिक सघन परत होती है, दूसरी कम सघन परत होती है और तीसरी जो है तंतुमय पार्ट इसका होता है। तो सेंट्रोमियर गुणसूत्र का मुख्य भाग है। आगे अपन बात करें भी द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र या सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन, द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र। और देखिए गुणसूत्रों के एक जाति विशेष में कम से कम एक या दो गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र के अलावा यानी सेंट्रोमियर के अलावा कम से कम एक या दो गुणसूत्रों में द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र भी उपस्थित होता है। तो अपन बात करें किसी जाति विशेष में केवल दो गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र को छोड़कर या सेंट्रोमियर को छोड़कर द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र होता है। और द्वितीय संकीर्ण जो क्षेत्र है वो दो तरीके के होते हैं, द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र फर्स्ट और द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र सेकंड। तो अपन सबसे पहले द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र फर्स्ट की बात करें, इसे हम NORD कहते हैं, न्यूक्लियोलाइजर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, केंद्रिका संगठन क्षेत्र। तो जो द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र जो फर्स्ट है उसे हम केंद्रिका संगठन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जो इंटरफेज में केंद्रिका का निर्माण करता है। यह क्रोमेटिन अकुंडलित व हल्के रंग से अभिरंजित भाग से मिलकर बना होता है। तो जो द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र जो फर्स्ट है वह केंद्रिका संगठन क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है और इंटरफेज अवस्था में कोशिका विभाजन की अंतरा अवस्था में यह केंद्रिका का निर्माण करता है। यह क्रोमेटिन का कम कुंडलित व हल्के रंग से अभिरंजित क्षेत्र है। इसमें डीएनए की मात्रा 0.3% होती है, तो बहुत कम मात्रा डीएनए की इसमें होती है। और यह डीएनए रिपीटेटिव सारक अनुक्रमों से मिलकर बना होता है, जिसमें बार बार एक ही प्रकार के एन सारकों की पुनरावृत्ति हो। तो द्वितीय संकीर्णन जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यह है सेकेंडरी कंसंट्रेशन क्षेत्र या द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र, जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से भी जानते हैं। और इस ये केंद्रिका का निर्माण करता है, यह हल्का अभिरंजित क्षेत्र है, इसमें क्रोमेटिन कम कुंडलित रहता है, डीएनए की बहुत कम मात्रा हो, रिपीटेटिव एन सारकों से मिलकर बना होता है। तो यह है द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र, जिसे अपन फर्स्ट भी कह सकते हैं। और द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र फर्स्ट के बाद आगे गुणसूत्र के गोलाकार खंड को, तो देखो यह है द्वितीयक संकीर्णन क्षेत्र और इसे अपन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं जो यहीं पर होता है। इसके पश्चात जो गुणसूत्र का ये जो खंड बच रहा है, ये गोलाकार जो खंड बच रहा है, इसे सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र के पश्चात गुणसूत्र का एक छोटा गोलाकार खंड होता है, जिसे सैटेलाइट या ट्रेबेंट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे गुणसूत्र जिसमें सैटेलाइट उपस्थित हो उसे अपन SAT सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र जिनमें द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र उपस्थित हो उसमें उसके पश्चात गुणसूत्र का वह खंड जो एक छोटे गोलाकार खंड के रूप में है उसे अपन सैटेलाइट या ट्रेबेंट कहते हैं। और ट्रेबेंट जिन गुणसूत्रों में उपस्थित हो या सैटेलाइट जिन गुणसूत्रों में उपस्थित हो उन्हें सेट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। सेट क्रोमोसोम का मतलब है साइन एसिडो थायमो न्यूक्लिक।
सेट का मतलब है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिक। ऐसे क्रोमोजोम को अपन क्या कहते हैं भी, सेट क्रोमोजोम कहा जाता है। और मानव में सेट क्रोमोजोम कौन कौन से हैं भी, तो वो है 13, 14, 15, 21, 22। तो 13, 14, 15, 21, 22। और वाई गुणसूत्र जो केवल नर में होता है, वाई गुणसूत्र सेट क्रोमोजोम के रूप में जाना जाता है, जिसमें द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर उपस्थित होता है। अब अपन बात करें जो द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र जो फर्स्ट है उसकी स्थिति निश्चित रहती है, प्रत्येक गुणसूत्र में उसकी स्थिति निश्चित रहती है, इसलिए इन्हें चिन्हक के रूप में भी जाना जाता है। तो चिन्हक के रूप में भी इसे कहते हैं, इसकी स्थिति प्रत्येक गुणसूत्र में निश्चित जगह होती है। अब अपन बात करें भी द्वितीय संकीर्णन क्षेत्र जो है सेकंड, या द्वितीय संकीर्ण सेकंड, कुछ गुणसूत्रों में द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र सेकंड भी होता है, और यह क्रोमोसोम के टूटने व पुनः संयोजित होने से बनते हैं। तो द्वितीय संकीर्ण सेकंड जो क्षेत्र है वह गुणसूत्रों के टूटने व पुनः संयोजन से एस सी सेकंड का निर्माण होता है, या द्वितीय संकीर्ण सेकंड का निर्माण होता है। और ये भी विशेष स्थल है जो कम अभिरंजित क्षेत्र होते हैं। जो द्वितीय जो संकीर्ण क्षेत्र जो सेकंड है, ये भी एक विशेष स्थल है जो हल्का अभिरंजित क्षेत्र है। और कैरियोटाइप, जब अपन गुणसूत्रों की कैरियोटाइप बनाते हैं, कैरियोटाइप क्या है इससे पूर्व की वीडियो मैंने इसकी चर्चा की थी, तो कैरियोटाइप बनाते समय गुणसूत्रों की पहचान हम द्वितीय संकीर्ण सेकंड से कर सकते हैं। तो द्वितीय संकीर्ण क्षेत्र जो है वह गुणसूत्रों के टूटने व पुनः संयोजित होने से बनते हैं। कोई भी गुणसूत्र का खंड जैसे यहां से ये टूट गया और पुनः संयोजित हो गया, तो यहां जो संकीर्ण क्षेत्र बनेगा उसे द्वितीय संकीर्ण सेकंड कहते हैं, ठीक है। और यह हल्का अभिरंजित क्षेत्र है, और इसमें कैरियोटाइप बनाते समय गुणसूत्रों की आसानी से पहचान की जा सकती है। अंतिम भाग अपन बात करें भी टीलोमियर, टीलोमियर यह गुणसूत्र की संरचना का अंतिम भाग है भी टीलोमियर, और यह गुणसूत्र का अंतिम शीर्ष भाग को व्यक्त करता है, गुणसूत्र का अंतिम खंड को व्यक्त करता है। और जो मूलर ने 1938 में इन्हें टीलोमियर कहा, तो ये गुणसूत्र का अंतिम खंड जिसे अपन टीलोमियर कहते हैं, और मूलर ने टीलोमियर नाम इसको दिया। यह डीएनए के डीएनए अणु के शीर्ष पर वलित होने के फलस्वरूप बना है। तो टीलोमियर जो है डीएनए अणु के शीर्ष पर वलित होने से बना है। और टीलोमियर अंतिम खंड के रूप में क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि टीलोमियर टीलोमियर या ये आपस में किसी भी गुणसूत्र के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो ये गुणसूत्र के अंतिम खंड है, और मूलर ने इन्हें टीलोमियर नाम दिया। जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र का टीलोमियर यह है, दूसरे गुणसूत्र का कोई टीलोमियर सेकंड है, तो वो आपस में कभी भी संयोजित नहीं होंगे, या एक गुणसूत्र का टीलोमियर कभी भी गुणसूत्र के किसी भी भाग से संयोजित नहीं होगा, इसलिए इन्हें गुणसूत्र के अंतिम खंड कहा है, और मूलर ने इन्हें टीलोमियर नाम दिया। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने टीलोमियर की लंबाई को वृद्धा अवस्था से जोड़ा। अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर रिचर्ड ने कहा कि टीलोमियर की लंबाई कम होने के साथ साथ
वृद्धा अवस्था आती है। तो जीवों में वृद्धा अवस्था या बुढ़ापा क्यों आता है भी? टीलोमियर की लंबाई का कम होने से। और इसकी लंबाई कम क्यों हो रही है? टीलोमरेज एंजाइम की कमी से। तो यदि समय रहते हुए कोशिकाओं को टीलोमरेज एंजाइम प्राप्त हो जाए तो टीलोमियर्स की लंबाई कम नहीं होगी और जीवों में वृद्धावस्था जल्दी नहीं आएगी। तो अमेरिकी प्रोफेसर रिचर्ड ने टीलोमियर की लंबाई कम होने से वृद्धावस्था आ जाती है जीवों। आगे अपन बात करें, यदि अपन देखें कि जो क्रोमोसोम है इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है या किसके बने हुए हैं, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। तो गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें 40% डीएनए है। तो इसमें 40% डीएनए है और 40 से 50% स्टोन प्रोटीन। जैसा कि मैंने कहा कि गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीनों से मिलकर बने हुए। न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए, आरएनए, प्रोटीनों में स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन। तो डीएनए कितना भी 40% और 40 से 50% क्या है भी स्टोन प्रोटीन या क्षारीय प्रोटीन। और यदि अपन बात करें आरएनए की, तो आरएनए 1 से 10% इसमें आरएनए है। तो डीएनए 40%, आरएनए 1 से 10%, 40 से 50% स्टोन प्रोटीन या क्षारीय प्रोटीन और 10% नॉन स्टोन प्रोटीन। तो डीएनए का यदि हम रासायनिक संगठन देखें तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें डीएनए 40%, आरएनए 1 से 10% और 40 से 50% क्षारीय प्रोटीन या स्टोन प्रोटीन और 10% नॉन स्टोन प्रोटीन या अम्लीय प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तथा अत्यधिक अल्प मात्रा में इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के धातु आयन भी उपस्थित होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के रूप में ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। तो आज हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हमने क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र, टेलोमियर के रूप में किया और इसकी केमिकल कंपोजिशन की। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो आप इन्हें अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।